जी आपने उसे देखा? नहीं मैं देख नहीं पाया जी। अच्छा आपने लोड कर दिया है वार्ता, ठीक है। हाँ, उसके उसको भी लोड किया है, फिर छोटे छोटे हिस्सों में काट के भी उसे लोड किया, तो पूरा भी लोडेड है और पार्ट भी अपलोडेड है। इसका वैसे क्या बेनिफिट होता है जी, आप ये लोड कर देते हैं हमारी ये वार्ता को? जी इससे फायदा ये होता है कि जो चीज समझाने में मैंने आप पर एनर्जी खर्च की, वो अच्छा अच्छा दूसरे ठीक व्यक्ति उसको बिना जो है ना उतनी हमारी एनर्जी का बिल्कुल अपव्यय बिल्कुल हुए ठीक है बगैर उसको वो बात समझने का मौका मिलता है। नंबर वन, बिल्कुल, ये बात सही है। एनर्जी मतलब वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसका यूज होना चाहिए एनर्जी का, इसका ठीक है। यूज कितनी बार भी होगा, जितनी बार, फिर आप जो है, जैसे आपसे बातचीत हुई तो बहुत हमने अच्छी बात आपको है, क्या बहुत अच्छी। समझाया, जिनको जी जी आपको जोड़ना है, जब आपको समझाई हुई बात को आप उसे करेंगे तो वो उसको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको लाभ मिला है। जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ, बढ़िया। और बेसिकली मुद्दे की बात तो ये है कि हमें जागना होगा और हमें अपनी निर्लज्जता को त्यागना होगा। जी, ठीक है। हमारी मेन समस्या ये है कि हम निर्लज्ज हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, खुदगर्ज हो गए हैं, और अपनी विद्वत्ता का जो लाभ है वो देशवासियों को ना देकर खुद के लिए यूज करना चाहते हैं, जी और जी बिल्कुल, उस बहुत लाभ अच्छी के बात। लिए हम इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, और ये जी जी राजनेता देश की जनता के ऊपर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। और आप ये बिल्कुल देखिए ना, इस देश की जनता पर इन राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, इससे ज्यादा और क्या दुष्टता हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ आपको, अगर कुछ आपको, कहना आप सब चाहूँ कुछ कह सकते हैं। जी? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मतलब मैं ये कहता हूँ, क्या हम मतलब ये सब इतनी आसानी से कर सकते हैं? मतलब कुछ मैं जो जिनको सुनता हूँ ना, कुछ एक दो को और वो भी बहुत बढ़िया आदमी है, तो कह रहे हैं कि ये करने का ये तरीका सही नहीं है, कि इसको पता है क्या होगा, वो सोच कहते हैं कि हो सकता है कि 2024 में इलेक्शन ही नहीं हो, ये ऐसे ही बिना इलेक्शन के ही अपने आप आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? बिना इलेक्शन के कैसे आ जाएंगे? जैसे डिक्टेटरशिप, मतलब और क्या हो सकता है? ये कहेंगे हम तो तो अब फिर हमेशा जो के लिए है, आर्मी बन लड़ाई गए। तो आपको लड़ना होगी। यदि जी कुत्ता काट खाएगा तो यदि आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो रेबीज हो जाएगी। तो वो तो आपकी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे आप हो आप। जो है, यदि कुत्ता जो है ना किसी दूसरे तरीके से काटेगा तो भी आपको इंजेक्शन भी लगाना होगा और उससे लड़ना भी होगा, जी इस भय से कि डिक्टेटरशिप ना आ जाए। आप जी इन जी दुष्टों को दुष्टता करने दें और उनके दुष्टों की दुष्टता सहते रहें, इससे तो अच्छा है डिक्टेटरशिप ही आ जाए, जी हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल। उससे निपटेंगे जो होगा। हमें सारी शक्तियों को मिला जब के 100 करोड़ लोग और 140 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तब कोई जो है ना डिक्टेटरशिप नहीं काम करेगी। जी बिल्कुल सही। पर हमें अगर ये करना है, इसको अपने उद्देश्य को सफलता में मतलब नहीं, कन्वर्ट करना है, इसको तो हमें सफल करने के लिए जो छोटा सा आपका संकल्प है बस उसे पूरा करिए। और जी जी यदि बिल्कुल। आपकी चंद्रगुप्ती अभिलाषा है, चंद्रगुप्ती आज प्रयास मैंने आपको करने सुबह की जरूरत सोचा नहीं था है। कि हाँ, मैं कागज पे लिख के अपलोड कर देता हूँ, मैंने ये सोचा था आज आके इसको मैं करता हूँ काम को पूरा। इसमें आपको दो तीन काम करना चाहिए। एक काम तो जी ये करना चाहिए कि पहले कागज से अपनी शपथ लिखिए, उसकी फोटो लेके उसे अपलोड करिए। फिर अच्छा, एक शपथ अपना ही अपने अपने हिसाब से ही लिख सकते हैं या कोई उसकी नहीं, वो मैटर कुछ शपथ प्रारूप का जो है ना ऑलरेडी प्रारूप है ना, आप उसमें देखिए एग्रीमेंट में है? जाके, तो आप उसको लिखिए और ठीक है उसमें ठीक है अपनी ठीक भावना में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है मूल ठीक है। मूल भावना उसमें वो गायब नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक है। मतलब आप अपने शब्दों के चक्कर में उसकी मूल भावना की ऐसी कम तैसी कर दें वो ठीक नहीं है, ठीक है ना? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है ठीक लेकिन है। उसके उस मूल भावना को रखते हुए और उसके अलावा भी एक आध दो और बातें कहना चाहते हैं तो उसे कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी और ठीक उसके है बाद आप अपना वीडियो बना के अपलोड करिए। और जी। चंद्रगुप्ती अभिलाषा है, क्योंकि चंद्रगुप्त बनना एक अभिलाषा है, ठीक है ना? जी जी ठीक है जी मतलब जो संसद बनना चाहता है, जो विधायक बनना चाहता है, जो जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, जो मेयर बनना चाहता है, जो पंच सरपंच बनना चाहता है, जो पार्षद बनना चाहता है, ये जी चंद्रगुप्ती अभिलाषा है। तो चंद्रगुप्ती शपथ लेना होगी और चंद्रगुप्ती प्रयास भी करना होंगे। तो हमने चंद्रगुप्त को क्या काम करना है उसकी भी सूची दी है, हर चंद्रगुप्त का वो क्या है। तो आपको अपना दिल खोजना है कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के जो संकल्प है, जो शपथ है, उससे ही सेटिस्फाइड हैं या आपकी कोई चंद्रगुप्ती अभिलाषा भी है।
यदि चंद्रगुप्ती अभिलाषा है तो चंद्रगुप्ती शपथ अलग से लेना होगी, और जी चंद्रगुप्ती शपथ में जो है फिर अब से लेके आपको लगातार प्रयास करना होगा 2024 तक, समझ ठीक है बिल्कुल गए ना। जी तो ठीक है उस उसमें यदि आप ऊपर के 543 में आएंगे तो आप संसद बन पाएंगे, और यदि आप ऊपर जी नहीं भी आ पाए तो अपने समय पे आपके प्रयास यदि जारी रहेंगे तो राज्यों के विधायक बन पाएंगे, मंत्री बन पाएंगे, जी ठीक मुख्यमंत्री बन पाएंगे, राइट। है बाद ठीक है में ठीक जब जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होंगे तो जिलाध्यक्ष और मेयर बन पाएंगे, पंच और सरपंच बन पाएंगे और पार्षद बन पाएंगे। जी ठीक है तो ठीक जिस स्तर का जो है चंद्रगुप्ती सोच रखोगे उसी स्तर के आपको प्रयास करना होगा, और है यदि जी चंद्रगुप्ती सोच नहीं है तो फिर केवल अपराध मुक्त भारत मिशन की जो शपथ है उसका पालन करके 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ दीजिए, जी लेकिन उतने करने से आप चंद्रगुप्त नहीं बन पाएंगे, और फिर आपको जो है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने, और जो है ना ये ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला मेयर, जिला अध्यक्ष, पंच, सरपंच, पार्षद वगैरह, वो जो है जो चंद्रगुप्ती प्रयास करेगा उसको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है बिल्कुल तो ये बात आपको, मुझे नहीं मालूम है कि समझ में आ गई पूरी तरह से, या आप कुछ पूछना भी चाहेंगे इसमें। नहीं, आ गई है, मैं समझ गया है आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए वीडियो अपलोड करनी भी जरूरी है चंद्रगुप्त या सब के लिए। जी चंद्रगुप्ती शपथ के लिए आपको चंद्रगुप्त का जो है ना पहले हाथ से लिख के उसकी फोटो लेके अपलोड करिए, फिर अपलोड कर लेंगे उसी चीज का जो है एक अपना वीडियो बनाइए उसे अपलोड करिए, और जी इसके बाद जो है आपको चंद्रगुप्ती प्रयासों के तहत हर दिन अपना जो है एक संगोष्ठी का चार्ट आपको सप्ताह के शुरू में ही अपलोड करना है, और जब आप संगोष्ठी करेंगे तो उसकी जी वीडियो क्लिप भी वहां अपलोड करना है, और इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, तो जिन लोगों की संगोष्ठी लेते जाएं उनके नाम नंबर आप जो है करके और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, और यदि एक संगोष्ठी से मैं उसे उनमें यदि पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त जो है ना संकल्प पैदा नहीं हो रहा है तो जी थोड़े समय के बाद दूसरी संगोष्ठी कर लीजिए, तीसरी संगोष्ठी कर लीजिए उन्हीं लोगों के साथ, तो जब उनको बात समझ में आ जाएगी और जब उसके लाभ वो समझ पाएंगे तो फिर जो है वो आसानी से जुड़ पाएंगे, और कुछ लोग जो है वो भेड़ चाल से जुड़ेंगे, या जिसको अभी कबीरदास जी ने कहा है कि लालिमा देख के जुड़ेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों जी तरफ जी लोग जुड़ना चालू करेंगे तो वो बिना जागृत हुए, बिना संकल्प हुए देख एक दूसरे को देख के ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं अभी वो है अपराध मुक्त भारत के लिए मैं वो कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे में ना इतनी संगोष्ठी मेरे में वो गुण नहीं, अभी जैसे नेता वाले गुण होते नहीं हैं नहीं मैं नहीं मतलब नेता बिल्कुल नहीं बनना है, नेता तो दुष्ट लोग नहीं हैं, वो उसके नेता लिए गुण वाले को चाहिए ना, नहीं, कोई जैसे मैं नेता नहीं दो बनना है, कोई नेता नहीं बनना है, आप तो संगोष्ठी करिए, उन्हीं के यहाँ पहुंच जाइए, उनके साथ चाय करिए, और आपको बोलना नहीं आ रहा है तो मत बोलिए, मैं आपके किसी पास को जो इम्प्रेस बते तो नहीं कर आपके सकता, आपके इम्प्रेस पास करना जैसे आती है ना सुनो उसके सुनो लिए। सुनो सुनो जी जी आपके पास जो क्राइम फ्री भारत के 2300 वीडियो अवेलेबल हैं उनका जी लाभ जी उठा के फिर इनफॉर्मल चिट चैट करिए ना सामान्य व्यक्ति की तरह, नेता क्यों बनना है आपको। जी ठीक तो है आप बिना नेता के गुड़ लिए हुए आपको जो ना वो सब चीजें प्लेटफॉर्म तो हम दे दे रहे हैं ना, तो बिना नेता मुझे के गुड़ सीखना के भी आप पड़ेगा ना, चंद्रगुप्त। वो गुण मेरे में होने चाहिए, पहले सीखना नहीं पड़ेगा नहीं मुझे नहीं इसको। नहीं 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 कुछ नहीं सीखना है, क्या सीखना है आपको, मैथिली शरण गुप्त के वीडियो चलाना है, फिर जो जी है ना ठीक एक है जी सामान्य नागरिक जैसे चर्चा करता है वैसे चर्चा करना है, चर्चा में आपको सामान्य नागरिक जैसे ही बातें करना है, नेता जैसी बात नहीं करना है, और लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ते जाना है, और जहां आप जाके संगोष्ठी कर रहे हैं उसमें 2, 5, 10, 20 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो है ना संगोष्ठी लगातार जरूर करते रहिए, दिन में 2 संगोष्ठी भी कर सकते हैं, 3 संगोष्ठी भी कर सकते हैं, और किसी नेता गुरु जी के गुण नहीं चाहिए, आप स्वतः जो है आप के माध्यम से आपके रेफरेंस से जो लोग जुड़ेंगे उसके लिए आपको जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, और उसके उसी आधार पर आप अपने आप जो है चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे, और जिस जी स्तर पे आपके प्रयास होंगे उस स्तर के जो है आप चंद्रगुप्त बन के, और आपको वो लाभ भी मिल जाएगा क्योंकि अपने आप उसका टिकट भी आपके पास पहुंच जाएगा, बिना जो है ना प्रचार के आप जीत भी जाएंगे, तो नेताओं के गुण क्यों चाहिए इसमें।
ना तो आपको कार्यकर्ता चाहिए ना नेताओं के गुण चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। मतलब जी जी ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि नेता के गुण नहीं चाहिए, बल्कि नेता के गुण ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है ना। देखो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि आपको ज्यादा बोलना नहीं है, जो वीडियोज है उनको चलाइए और आम व्यक्ति जैसे चर्चा करता है वैसे ही चर्चा करिए, वो ज्यादा स्वाभाविक दिखेगी। मूर्ख बनाने वाली चर्चा मत करिए ना। हाँ बिल्कुल ये बात है, आम नागरिक जैसी चर्चा करिए और आम नागरिक जैसी। और आप किन से बात कर रहे हैं? अपने लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिनको जो आपको वर्षों से जानते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। जो आपके लोग बाहर हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, ठीक है? ठीक है ना। तो उसमें आपको कोई नेताओं के गुण नहीं चाहिए। और ऑलरेडी दिनकर जी कह के गए हैं नेता नहीं नागरिक चाहिए, मैथिली शरण गुप्त भी यही कह रहे हैं नेता दुष्ट है, नेता नहीं नागरिक चाहिए जो चंद्रगुप्त बने। और जो है ना चाणक्य ने एक सामान्य से जो है ना ग्वाला, जो कि हालांकि राजकुमार भी था वो, लेकिन एक साधारण से ग्वाले को जो है ना उन्होंने कन्वर्ट किया, उसको जो है सभी विद्याएं सिखाई और उसे चंद्रगुप्त बना के युद्ध कौशल में भी उसको निपुण बनाया और उसको जो है ना वो किया और वो अखंड भारत का निर्माण कर पाया। उन्होंने देख लिया था ना उसके अंदर गुण है, वो उन्होंने पहचान लिया था कि ये। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने जो मॉडल पैदा किया है उसमें वो कुछ गुण नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो तलवार चलाना है ना कोई रिस्क टू लाइफ है। आपके लिए तो पूरा बना बनाया मॉडल दे दिया है जिससे आप जो है लोगों को जोड़ पाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ेंगे तो आपको टिकट अपने आप पहुंच जाएगा और क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ से ज्यादा सदस्य वो अपनी छत पर बैठ के आपको जिता देंगे। तो आपको जो ना नेताओं के गुण क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए बताइए ना मुझे। बिल्कुल आपको कार्यकर्ता चाहिए नहीं, राइट? आपको आम सभाएं करना नहीं है, आपको जो है ना अपना एडवर्टाइजमेंट और अपना जो है ना वो भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग हैं, जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा उसके लिए वो खुद जो है अपने छत पे खड़े होके, अपने दरवाजे पे खड़े होके, थाली बजाकर, दीपक जला के रोज संकल्प लेंगे। तो आपको नेताओं के गुण क्यों चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो दिनकर जी का जो है ना वो याद करिए, लगे तो पढ़ भी लीजिए, जिसका टाइटल था नेता नहीं नागरिक चाहिए। अब मैथिली शरण कह रहे हैं नेता नहीं चंद्रगुप्त चाहिए, और चंद्रगुप्त को में नेता के गुण नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। एक बात पूछ ले सकते हैं क्या आपसे? हाँ हाँ, आप जितनी बातें पूछना चाहते हैं सब पूछिए। तो ये कहना चाहता हूँ मैं, जैसे कहते हैं कईयों से सुना है और बात भी ठीक लगती है कि अगर हम अपने ये जीत भी जाते हैं सब, तो भी हम अपने हिसाब से अपने जो देश को नहीं चला सकते, इसका ये, एक ये, रीजन ये, है, ये, ये शुद्ध बकवास है। मैं उसके जो ना बता देता हूँ क्या रीजन है और कैसे उसे ओवरकम किया जाएगा। अभी भी ये जो कहते हैं कंट्री ना, हम अपने हिसाब से अभी नहीं चला सकते। सिटी ऑफ लंदन से को ये होता है, ये जो है ये दुष्ट नेहरू ने लंदन डिक्लेरेशन पे साइन किए हैं। मैथिली शरण गुप्त उसे नहीं मानते हैं, नंबर वन। मैथिली शरण गुप्त पर साइन करके फिर तो मानना ही पड़ेगा। साइन से क्या होता है, हम कहेंगे कि हम साइन नहीं मानते हैं, तुमने जो अपने पार्लियामेंट में कुछ किया है वो हम नहीं मानते हैं। अच्छा। हम घोषणा करते हैं कि हमारे पास जनता का बहुमत है, इसलिए ठीक है। अरे हमारा देश है ये, हमारा देश है, ठीक है ठीक है बिल्कुल। ये तो दुष्टता है साला, किसी देश की मजबूरी ये जो है ना क्यों हो सकती है? हाँ, कई किसी किसी दुष्ट व्यक्ति ने जो है ना कम्प्रोमाइज अपने लाभ के लिए करके कुछ पे साइन कर दिया है, हम उसे क्यों मान करेंगे? क्यों मान करेंगे बताइए ना। बिल्कुल सही बात है। तो 1949 में लंदन डिक्लेरेशन पे साइन किया है कि मैं क्राउन की माथहती स्वीकार करता हूँ, क्यों करना, क्यों करते हैं? तो इसका मतलब ये बात सही है, मतलब हमने तो खैर वो देखा नहीं, वो डॉक्यूमेंट कहते ये 1949 का लंदन डिक्लेरेशन है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए ना अपने कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिया, ही साइन द डॉक्यूमेंट जिसका निचोड़ ये है। वो डॉक्यूमेंट भी आजकल बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। जी जी। जिसका नटसेल में ये है कि मैं क्राउन की मातहती स्वीकार करता हूँ। बस तो फिर तो वही बात होगी ना। हाँ, नहीं लेकिन उसके उस वो हमारे ऊपर क्यों क्यों हमारे ऊपर क्यों होगा? उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब सीधा कैंसिल क्यों करना है? जिसके पास है वो रखे जो ना उसको जो ना उस पे उससे उसको उसको जला के तापे वो, हमें क्या दिक्कत है? तेरे पास डॉक्यूमेंट है, तेरे को जो करना तू कर। हाँ, हमें क्यों चिंता हो उस डॉक्यूमेंट की, हमें क्यों चिंता होना चाहिए? ठीक है ठीक है बिल्कुल। नहीं आप ये बताइए ना
भाई आपको उस डॉक्यूमेंट को जला के तापना हो तो ताप लीजिए, उसको जो है ना फ्रिज में रखना हो तो फ्रिज में रख लीजिए। नहीं डॉक्यूमेंट वाली बात नहीं है, जैसे हमारे बड़े किसी ने तुमने कोई कर्जा ले लिया तो उसको देने वाले तो वो यदि इतना कोई दुष्ट व्यक्ति हो जिसने देश को कर्जा और जो है ना ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत सब कुछ ले लिया और दुष्टता पूर्वक जो है ना पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना के खुद जो है ना 17 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहा और बाद में अपने जो है ना अनपढ़ गवार बच्चों को प्रधानमंत्री बनाया, उसकी बात को जो है ना क्यों मानना चाहिए बताइए ना। बिल्कुल बात, हम एक जो है ना दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ना जारी करेंगे कि ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट साइन किए हैं जो पब्लिक को नहीं भी मालूम है, हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अमान्य करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, बिल्कुल उसको हम दिल्ली डिक्लेरेशन कहेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा है कि आप हमारे ऊपर चीजें तो नहीं थोप सकते हैं। बिल्कुल ये तो बात है भाई, आप वो किस अथॉरिटी से हमारे ऊपर थोपेंगे, उनके पास क्या अथॉरिटी है हमारे ऊपर थोपने की? ये बात तो है, अथॉरिटी तो बस वही दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है साइन, तो वो डॉक्यूमेंट से जो है ना आप ताप लीजिए, उस डॉक्यूमेंट को फ्रिज में रख लीजिए, उस डॉक्यूमेंट से जो कुछ करना है वो करिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करिए, तो जो है ना हम और एक्सपोज कर देंगे लोगों को जिन्होंने दुष्टतापूर्वक ये काम किया, उनको एक्सपोज कर देंगे। और वो तो इतना दुष्ट व्यक्ति था कि संविधान का बिना पालन किए उसने जो ना आर्टिकल 35 संविधान में घुसेड़ दिया और हमारे विद्वान साले सोते रहे। अब ना विद्वानों की चलेगी ना इनकी चलेगी, अब ये देश बदलेगा सबसे। हाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये विद्वान ही हो पड़े हैं देश में जितने हैं। नहीं तो जो ये कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे उनके लिए काट है ना भाई, वो लंदन डिक्लेरेशन था, अब जो है ना दिल्ली डिक्लेरेशन चालू हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है बिल्कुल। और वो तो हम ऐसे सब डिक्लेरेशन को नलीफाई करेंगे जो कहीं पे किसी ने भी साइन किए हैं, जी जी, चाहे वो मोदी जी ने भी साइन किए हों। यदि वो देश हित में नहीं है तो वो क्यों माने जाना चाहिए? ठीक है, या जो जिसने साइन किया है या उसकी पार्टी बताए कि साहब किस तरीके से वो देश हित में है और देश हित में होगा तो उसे मान्य भी किया जाएगा। हाँ जी हाँ जी, आप ये बताइए ना, देश को गिरवी तो नहीं रख सकते ना आप? नहीं नहीं बिल्कुल। और ये तो इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने जो है गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और हम लोग जो है ना मूर्ख हैं, हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि साहब वहां पर ये लॉ है, अरे हम उस लॉ को अमान्य करते हैं। जी जी, ये बताइए वो लॉ हमारे ऊपर क्यों चलेगा यदि हमारे देश के हित में नहीं है तो, और किसी दुष्ट ने साइन भी कर दिया है तो हम उसे जो है ना दिल्ली डिक्लेरेशन से उसे अमान्य करते हैं, एक डिक्लेरेशन दूसरे डिक्लेरेशन को नलीफाई कर देगा, उसमें क्या दिक्कत है? और तुम्हारे को दर्द हो रहा है तो जो तुमसे बन पड़े कर डालो, क्योंकि आगे चल के तो विश्व जो है ना भारत इतनी सब चीजें पैदा करेगा कि पूरा विश्व ही भारत पर निर्भर करेगा, ज्ञान के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। पहले ऐसे ही था, करीब 1000-2000 साल पहले ऐसे ही होता था। इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तभी तो लोग भारत को खोजते हुए भारत में पहुंचे थे, कुछ गरीब देश में गरीबी बांटने के लिए, आपको गरीबों का उद्धार करने के लिए थोड़ी यहाँ कोई पहुंचा है कि पहुंचा है? नहीं 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 नहीं, इस देश में लोग गरीबों का उद्धार करने के लिए आए थे क्या? नहीं, बात आपको जम रही है कि नहीं जम रही है बताइए आप तो मुझे। हाँ जी, आवाज कट गई थी बीच में, आप आइए। नहीं, मैंने कहा कि आपको बात जम रही है कि नहीं जम रही है, या हाजमोला की गोली चाहिए? अरे नहीं नहीं हाजमा बिल्कुल ओके है, बिना हाजमा के हजम हो रही ना बात? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप बताइए मुझे, मैंने आपकी बात का समाधान कारक जवाब दिया कि नहीं दिया? नहीं नहीं सही कहा आपने, क्योंकि देश का हित के अंगेज किसी ने कुछ भी किया है, बाय डिक्लेरेशन वी विल डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। हम एक सॉवरेन कंट्री है, हमारे देश के हित के विरुद्ध कोई भी चीज कहीं पे भी किसी ने भी साइन की है, वो कितना छोटा दुष्ट हो या बड़ा दुष्ट हो, सभी दुष्टों की सभी बातों को हम बाय डिक्लेरेशन अमान्य करते हैं। और जिसको जिसको हमसे कुछ साइन कराना है तो वो जो है ना दोबारा चर्चा करे और हमें हमें संतुष्ट करे कि साहब ये आपके हित में है, देश के हित में है। बिल्कुल ठीक है। देखो ये जो है ना इंटरनेशनल लॉ दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। अब आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ पारित कर लिया है तो तुम है, तुम उसको मानो साला, हम कौन होते हैं, हम क्यों माने उसको? ठीक है ठीक है ना जी, भाई हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्यों माने? कुछ लोग यही कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो 1947 का है, जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अरे तो भाई उसको जो भी उन्होंने अपने पार्लियामेंट में पारित किया उसको जो है ना अपने घर में रखें, राइट? उसको जो है ना यदि उनको आजकल भाई ठंडी वंडी बहुत पड़ रही है तो उससे यदि आग लगा के कुछ थोड़ा ताप सकते हैं तो ताप लें, कचरे में फेंकना चाहते हैं तो कचरे में फेंक दें, यदि हम उसे मान्य नहीं करते तो उस टुकड़े का क्या महत्व है?
है ठीक है, कोई महत्व है क्या उसका? बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो, हाँ तो कोई महत्व नहीं है राजीव जी एकदम आम उसका आदमी तो। को खड़ा होना है, बड़ों ये कोई बड़े नहीं है, जो बड़े दिख रहे हैं ये छोटे चरित्र के घटिया लोग हैं। अब ये जी बताइए, जी इस देश में, भारत जैसे विद्वान देश में, 140 करोड़ लोगों के देश में, ये टैक्सी वाले मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, ये बताओ ना मुझे, मुझे लॉजिक बताइए ना। उनके पास ज्ञान है, वो है, उसके कारण वो बन रहे हैं। किस कारण से बन रहे हैं? जनता के साथ लूट खसूट की, हंगामा किया शिवसेना की तरफ से? जी नहीं, आप मुझे बताइए ना, कि वो कोई बहुत बड़े गुड़ी व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च कर लिया है देश के लिए, बड़ी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव तय किए हैं कि हम अपने देश को और महाराष्ट्र को यहाँ ले जाना है, ऐसा कुछ किया हो तो बता दीजिए मुझे। ना ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर उन्होंने देश का और जो है ना पर्टिकुलर इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? ऐसे ही बन गए बस, वो तुक्के से तुक्का लग गया उनका, समझ लो तुक्के से बनाया नहीं, गया वो तो तुक्के मुख्यमंत्री। से नहीं होना चाहिए ना, हाँ वही तो होना नहीं चाहिए लक्ष्य पर हो रहा लक्ष्य है, से होना चाहिए। तो फिर वो लक्ष्य इसलिए तो हमने कैसे से होना आपको पूरा चाहिए, मॉडल कितनी दे दिया योग्यता है, है। खड़े हो जाइए आप, बिल्कुल और बिल्कुल आपको नेता होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको भाषण देना आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपको आम सभाएं लेना है ना आपको भाषण देना है, जी, वो आपके हिस्से का काम मैं कर ही रहा हूँ। हाँ कर बिल्कुल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ? जी, कर रहे हो ठीक हाँ तो बस आप भर जाइए आप तो। जी, बिल्कुल चलिए लग गए चलिए, हम तो। जय हिंद जय भारत। जय भारत जी, जय हिंद।